दोस्तों दोस्तों, आज मैं मंचूरियन पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मंचूरियन पकौड़ा बनाने के लिए ये पत्ता गोभी ली हूँ मैं, काट के बारीक बारीक, देखो बारीक बारीक से काट के धो के रखी हूँ। और ये है कॉर्नफ्लावर पाउडर ली हूँ दोस्तों, और ये मैदा का आटा है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये है फूड कलर ली हूँ छोटा चम्मच में 1 चम्मच, और ये है सूखा लाल मिर्च का पाउडर, और ये कश्मीरी मिर्ची का पाउडर 1-1 चम्मच ले लूँ छोटे चम्मच में, और ये है काली मिर्च का पाउडर छोटे चम्मच में 1 चम्मच। सबसे पहले हम पत्ता गोभी को नमक डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, बारीक बारीक से मैं काटी हूँ, ऐसे बारीक बारीक से आप लोग काट लीजिएगा हाथ से। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करते हैं। इस चम्मच में 1 चम्मच मैं नमक ऐड किया हूँ। सूखी मिर्ची का ये पाउडर है, और ये है कश्मीरी मिर्ची का पाउडर है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और काली मिर्च पाउडर का है, और ये है फूड कलर। इसमें थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और बाद में इसको मिक्स करेंगे, इसको पहले अच्छे से सान लेते हैं। दोस्तों, अच्छे से मिक्स करके इसको मैं ढक्कन लगा के 5-10 मिनट के लिए इसको रख दूंगी। 10 मिनट के बाद ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर पाउडर और ये मैदा के आटा मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये देखिए हो गया, नमक में अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट पूरा हो गया। ये देखिए, पत्ता गोभी से पूरा पानी छोड़ दिया है। हमें इसमें बाकी का चीज़ें ऐड करते हैं। ये है दोस्तों मैदा, मैदा हम 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, ये खाने 4 चम्मच मैदा लिया दोस्तों। ये कॉर्नफ्लावर पाउडर है, कॉर्नफ्लावर पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच, कॉर्नफ्लावर पाउडर 2 चम्मच दिए, और मैदा जो है हम लिए है 4 चम्मच। उसका मतलब क्या है कि इसमें हमको ये मैदा जो है, मैदा उसको हमको 60% देना पड़ेगा, और जो कॉर्नफ्लावर पाउडर है वो 40% होना चाहिए, ऐसा थोड़ा कम होना चाहिए कॉर्नफ्लावर पाउडर। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर दिए। इसमें अब हम फूड कलर जो रखे हैं, ये देखिए इसको फूड कलर छोटा चम्मच में 1 चम्मच, और कलर होना चाहिए थोड़ा सा, बोलते हैं ना कलर होगा तो अच्छा लगता है। इसको अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको 5 मिनट हम रखते हैं, अच्छे से मिक्स कर लिए। इसको 5 मिनट ढक्कन लगा कर रखते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट पूरा हो गए हैं। इसको हम एक फ्राई करके देखते हैं कि तेल गरम हुआ कि नहीं। बस ये तेल तलने का जैसा गरम हो गया है दोस्तों। आप लोग जब भी इसको तलिएगा, मीडियम फ्लो पे तलिएगा, पहले तेल को अच्छे से गरम करके उसके ऊपर मीडियम करके तलिएगा। देखा, हमारा तेल बराबर गरम हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तेल गरम हो गया है, तल गया है। अभी बाकी को भी अच्छे से मिक्स करके तलते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लिए हमें, अभी हम चलिए तलते हैं। गैस को लो कर देते हैं, कढ़ाई गरम हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हम सब तल ले हैं पकौड़े। दोस्तों, आप लोग को मैं दिखाई नहीं, बार बार दिखाने के लिए हमें बोला, जाने दीजिए, एक साथ सब कर लेती हूँ। ये लास्ट है, इसको देखिए निकाल लेते हूँ कितना अच्छा बन के रेडी हो गया। ये
ये देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा बन के रेडी हो गए। ये बिना फूड कलर कर दिए हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर का फूड कलर थोड़ा सा डाली हूँ, उसका ऑरेंज का है और ये रेड का है, दोनों में डिफरेंस आप लोग को समझ आ ही जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मंचूरियन का रेसिपी कैसा लगा है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएगा। और मंचूरियन का रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक लगे, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ कर दीजिएगा और एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे, बहुत अच्छे से बन जाए। ये देखिए कैसे, देखिए आवाज़ आ रही, करन करन करके आराम से घर पर बना के आप लोग खा सकते हैं चाय के साथ, इसके लंच का सॉरी ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।